अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक शेख साइंस चैनल। आज मैं आपको कैनवा कोर्स हमारा जारी है बताऊंगा जी कि फ़ोन के वॉलपेपर आप कैसे बना सकते हैं। तो बहुत इजी है, बहुत सा सिंपल है, तो इंशाल्लाह आज वो भी सीखेंगे। तो चलते हैं कैनवा की तरफ। तो ये जी कैनवा ओपन हो गया, तो जल्दी से चलते हैं फ़ोन वॉलपेपर वाली ऑप्शन पर। तो ये जी फ़ोन वॉलपेपर की ऑप्शन आ गई है जी, इसको क्लिक करेंगे। आपके साइड पर बहुत से यानी कि वो वॉलपेपर्स आपके सामने आ जाते होंगे। आप चाहें तो इसको यहीं यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, और बहुत से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपनी तस्वीर का कोई वॉलपेपर बना सकते हैं तो यहाँ ये एलिमेंट्स के नीचे अपलोड्स का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आपकी अपनी तस्वीरें यहाँ आ जाएंगी। यहाँ से कोई भी तस्वीर आप सिलेक्ट कर लें और यह आप अपना यानी कि वॉलपेपर पर लगा सकते हैं जी। आपको अपनी पिक्चर नज़र आ रही होगी, तो आपने कोई अगर कोई एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड करने हैं तो यहाँ से एलिमेंट्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको बहुत से यार एजुकेशन के कोई भी आपने एलिमेंट्स ऐड करने हैं तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो यहाँ से टेक्स्ट ऐड कर लें, ये आपके यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे। कोई ऑडियो लगानी है तो कोई भी गाना म्यूजिक आप लगा सकते हैं। तो कोई बैकग्राउंड चेंज करना है तो यहाँ से आप ये बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो बहुत सारी इजी है, आप बना सकते हैं इसको। और आपने देखा है बहुत इजी है बनाना, अपनी पिक्चर का वॉलपेपर बनाएं या फिर कोई भी बैकग्राउंड डाल के बनाएं या फिर आपने एलिमेंट्स लगाने, वो आपको मैंने बता दिया कहाँ से लगाते हैं, टेक्स्ट कैसे ऐड करते हैं, ऑडियो कैसे लगाते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो ये आप यहाँ से शेयर के बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इसको। यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन करेंगे, यहाँ पे फिर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आने वाली वीडियो को पसंद कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।